गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। आई एम प्रोफेसर विनय मोरे। वेलकम टू ऑल गाइस। वी हैव स्टार्टेड न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री एंडम वाइब्रेशन एंड इन अ प्रीवियस वीडियोस वी हैव कवर्ड न्यूमेरिकल्स ऑन पुलीज। आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड न्यूमेरिकल्स ऑन पेंडुलम्स एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑन रॉड और बीम। After that, we will also cover the numericals on rotor and buoyancy force. So let's start. Okay, see here. Can see there is a one rod and it is a massless, sorry, it's having a mass m. There is a one torsional spring having a torsional spring stiffness, that is kt. There are two more springs, which one is a k1 having a value 200 newton per meter and second one is a 500 newton per meter, and k1 is attached at a distance 600 mm from the hanging point, and there is a total length of the rod is 1000 mm. Okay, and as usual we have to find the natural frequency in radian per second, hertz and time period. Okay, so sabse pehle aapko check karna hai, is there any type of damper? No, nothing is mentioned. Second, is there any friction? No, there is no damper. So this is a undamped vibration and there is no any force is given. Okay, force diya nahi hai ki newton hai, 500 newton hai, 100 newton, nothing is mentioned, sirf values diya hua hai. So start karte hain. Okay, so ye numerical hai free undamped se solve. Free undamped ka numerical hai, apne paas do options hote hain isko solve karne ke liye. Sabse pehle hai newton's method and second one is the energy method. So aapko jo better hoga, comfortable hoga, aap usse start kar sakte ho. ओके, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, कपल अप्लाई करता हूँ। सो आई विल यूज ग्रीन कलर हियर। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया शोन इन ग्रीन कलर। सो व्हाट विल हैपन, K1 विल स्ट्रेच, वो एक्सटेंड होगा। K2 क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, और ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग है वो भी क्या करेगा, इस रॉड और बीम के साथ वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज वो क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। गॉट इट। फिर आफ्टर लिविंग, आफ्टर डिस्टर्बिंग दिस सिस्टम, मैं उसको रिलीज करता हूँ, देन व्हाट विल हैपन। सो इनिशियली वो कैसे गया था, क्लॉकवाइज रॉड। सो फाइनली वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आने के लिए कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो कुछ कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम बोलते हैं आई थीटा डबल डॉट। नेक्स्ट, यहाँ पे जो टॉर्शनल स्प्रिंग है वो इनिशियली कॉम्प्रेस होता है क्लॉकवाइज, सो अनवाइंड कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और उसका टॉर्शनल फॉर्मूला क्या होगा, केटी थीटा। से जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है kx, वैसे टॉर्शनल स्प्रिंग का टॉर्क होता है kt थीटा। चलो दो पैरामीटर्स हो गए, अभी देखते हैं एक दो स्प्रिंग और बाकी है। सो k1 इनिशियली कैसे स्ट्रेच हुआ था,
स्ट्रेच हुआ था डाउनवर्ड में, सो फाइनली इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, वो रहेगा अपवर्ड में. सो यहाँ पे मैंने शो किया है. ओके, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स, बट यहाँ पे एक्स कितना है वो आपको देखना है. तो सपोज ये अगर ये स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से, इनिशियली ऐसे था, फिर वो इसकी मोमेंट ऐसे हुई, तो और यहाँ पे स्प्रिंग है. ओके, तो ये कितने डिस्टेंस से ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो आपको चेक करना है. सो यहाँ का रेडियस, सो यहाँ का जो डिस्टेंस है 600 mm, वो एक्ट करेगा एज अ रेडियस, और वो एंगल थीटा. सो जो ऊपर की तरफ जो K1 है वो स्ट्रेच कितने डिस्टेंस से होगा, रेडियस इंटू एंगल, सो ए थीटा. ओके, तो यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, K1 ए थीटा. ओके, ये आपका हुआ स्प्रिंग फोर्स. सिमिलरली K2 का, अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो था यहाँ से जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, यहाँ का डिस्टेंस ए था इसलिए मैंने ए थीटा बोला, बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, वो कितने डिस्टेंस से स्ट्रेच होगा, तो टोटल डिस्टेंस है 1000 mm, बट मैं इसको एल थीटा बोलता हूँ. सो यहाँ पे जो जनरेट होगा वो कितना होगा, K2 एल थीटा. ओके, सो ये था FS1 और यहाँ का था FS2. सो वापस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कितने कंपोनेंट्स हैं. एक रॉड है, दो लीनियर स्प्रिंग है और चौथा टॉर्शनल स्प्रिंग है. सो यहाँ पे चार वैल्यूज आनी चाहिए, चार टर्म्स आनी चाहिए. तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने उसको डिस्टर्ब किया. सो ये जो डिस्टर्ब करने के बाद जो रॉड क्लॉकवाइज गया था, सो वो रिटर्न कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. सो आई थीटा डबल डॉट को मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ. नेक्स्ट, यहाँ का जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हुआ था, रिलीज करने के बाद वो अपवर्ड में जाने का ट्राई करेगा, बट स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, केएक्स होता है, बट के क्या है यहाँ पे, K1 है, और एक्स मतलब कितने डिस्टेंस से वो स्ट्रेच होगा. तो अगर मैं इसकी पोजिशन देखता हूँ तो यहाँ से वो क्या होने वाला है, यहाँ से वो रोटेट होता है. सो ये पोजिशन ऐसे होगा, सो ये डिस्टेंस जो कितना होगा वो रहेगा ए थीटा. एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, वो कितना होगा, ये टोटल रेडियस है एल, ये एंगल थीटा, सो वो कितना रहेगा, एल थीटा. सो FS1 और FS2 आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है. ओके, सो फिलहाल तो मैं इसको रफ करता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा. ओके, सो गॉट इट. सो आई थीटा डबल डॉट, K1 भी यहाँ पे अपवर्ड में एक्ट कर रहा है. मैं अब टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या फोर्सेस भी कपल्स भी कॉम्बिनेशन है. सो आई विल टेक समेशन ऑफ IC+EC इज इक्वल टू 0. आई थीटा डबल डॉट कैसे जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा. सो ये क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला मैं पॉजिटिव लेता हूँ, वो रहेगा आई थीटा डबल डॉट. फिर K1 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, K1 ए थीटा अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और वो डिस्टेंस कितने परपेंडिकुलर, ए. सो K1 ए थीटा इंटू ए, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव. नेक्स्ट K2, ये इनिशियली कॉम्प्रेस हुआ था बट स्ट्रेच होने के बाद वो अपवर्ड में एक्ट करेगा. सो अपवर्ड में पकड़ो और यहाँ पे जाओ, तो कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. बट कितना होगा, K2 डिस्टेंस टोटल एल थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ही है, एल है. ओके, नेक्स्ट ये भी कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, KT थीटा, सो ये भी पॉजिटिव. बाद में क्या करना है, ए अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लो, एल मल्टीप्लाई करके लो, फिर टेक अ थीटा एज अ कॉमन, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, आई थीटा डबल डॉट प्लस K1A² प्लस K2L² प्लस KT थीटा. फिर क्या करना है, थीटा डबल डॉट के साथ जो टर्म है उसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से, फिर कंपेयर करो, फिर यू विल गेट ओमेगा एन.
यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे थोड़ा और थोड़ा डीपली गया है. सो गाइज यहाँ पे देखो, ऑफकोर्स इसका सी जी इस रॉड का यहाँ पे होगा कहीं पे, तो और इसका रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे है. सो सी जी इज अ डिफरेंट फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस. सी जी एक्सिस एंड रोटेशनल एक्सिस आर डिफरेंट. सो यहाँ पे कौन सा थेरम यूज होगा? पैरेलल एक्सिस थेरम. सो आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर. आई जी यहाँ पे रॉड और बीम का आई जी कितना होता है वह हमने फॉर्मूला लिस्ट में देखा है. ओके, रॉड और बीम का आई जी होता है एम एल स्क्वायर बाय 12. सो यहाँ पे वो अप्लाई होगा एम एल स्क्वायर बाय 12. एम एज इट इज, एच मीन्स क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड सी जी एक्सिस. रोटेशनल एक्सिस एंड सी जी एक्सिस, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस एल है. सो उसका हाफ कितना होगा? एल बाय टू. सो आपका एच का वैल्यू कितना रहेगा? एल बाय टू. ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट फाइनली ओमेगा एन. गॉट इट? अगर ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो दूसरी मेथड भी आसान है. यहाँ पे बेसिकली हमने बात की थी कंपोनेंट्स कितने थे. एक रॉड था, दो लीनियर स्प्रिंग था और एक टॉर्शनल स्प्रिंग था. तो फॉर्मूला हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है? जहाँ पे मास होता है. पर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कैसे थी? रोटेशनल थी. सो हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर. नेक्स्ट एक टॉर्शनल स्प्रिंग था, सो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है जनरली फॉर्मूला, बट टॉर्शनल के लिए हाफ के टी थीटा स्क्वायर. फिर इनिशियल स्प्रिंग का देखते हैं, हाफ ऑफ के वन एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे एक्स कितना था? ए थीटा. सेकेंड स्प्रिंग का हाफ के टू, एक्स क्या था? एल थीटा का स्क्वायर. सो बाद में क्या करोगे आप? सो यहाँ पे ए स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, थीटा का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर. सो फाइनली टू बाय टू होगा, थीटा डॉट कैंसिल होगा, फाइनली जाके आपको यही स्टेप रिपीट होगा और फिर ये सेम प्रोसीजर. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना. If it is correct, then your numerical will be correct. Got it? So इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. So okay, एक next type का है buoyancy force. इसके ऊपर भी काफी numericals आते हैं question number one में. So 5 marks के लिए ऐसे type के questions आते हैं. तो यह वहाँ exactly same नहीं आएगा, but वहाँ यहाँ का concept वहाँ पे implement होगा. So यहाँ पे क्या दिया है? एक drum है ओके, जो फ्लोट हो रहा है. यहाँ पे वाटर है, वो उसका सम पार्ट इट इज ऑलरेडी डिप्ड बाय द डिस्टेंस एच. ओके, ड्रम का लेंथ है एल और उसका डायमीटर है डी, और जो एच जितना हाइट है वो पार्ट क्या ऑलरेडी डिप है वाटर में, और वो एग्जैक्टली वर्टिकली क्या कर रहा है? फ्लोट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन. नाउ यू हैव टू काउंट, यू हैव टू कैलकुलेट नेचुरल फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड एज वेल एज इन हर्ट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, क्या होगा? वो ड्रम ऑसिलेट होके इट विल मूव अपवर्ड. सो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स जनरेट हुआ अपवर्ड में एम एक्स डबल डॉट, बट यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली काम कौन करेगा? तो बॉयंसी फोर्स करेगा. और बॉयंसी फोर्स क्या होता है? That is weight. So, जितना वेट यहाँ पे एक्ट होगा उतना ही सेम बॉयंसी फोर्स इसके अपवर्ड में एक्ट करेगा. ये कॉन्सेप्ट है. बट वेट मीन्स एग्जैक्टली पूरे ड्रम का वेट नहीं, जितना वॉटर जितना ये डीप है और जितना ये पार्ट डीप हो चुका है उसका वेट वो एक्ट करेगा एज अ बॉयंसी फोर्स. सो यहाँ का वेट मीन्स क्या आएगा? मास ऑफ डिस्प्लेस वॉटर इंटू जी. और मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट नॉट अ कंप्लीट फुल सिलेंडर, जितना पार्ट डीप है उतना ही वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. सो वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या है? पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल. बट यहाँ पे पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल, बट एल कंप्लीटली नहीं लेना है, जितना पार्ट डीप है. सो डीप पार्ट कितना है वो हमें देखना है. तो यहाँ पे डीप हमने किया था बाय डिस्टेंस एक्स से. ओके, मैंने उसको प्रेस किया था डाउनवर्ड में. सो बाय डिस्टेंस एक्स से वो डिस्प्लेस हुआ था. सो पाई बाय फोर डी स्क्वायर एक्स रो डब्ल्यू इनटू जी. ओके, सो
यहाँ पे दो ही फोर्स है, एक इनर्शिया फोर्स, दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स. सो एम एच डबल डॉट प्लस पाई बाय फोर डी स्क्वायर रो डब्ल्यू जी एक्स इज इक्वल टू जीरो. खाली मैंने क्या किया, उसको इस फॉर्म में लाने का ट्राई किया. सो यहाँ पे x मैंने कॉमन निकाला, इस इक्वेशन से मैंने इसको बाहर लिखा. सो मुझे ये इक्वेशन मिला. फिर मैंने कंपेयर किया, सॉरी डिवाइड बाय m किया, उसके बाद मैंने कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, ओमेगा n इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर रो डब्ल्यू जी डिवाइड बाय मास. सो उसे स्क्वायर रूट में डालता हूँ तो मुझे रेडियन पर सेकेंड, वन अपॉइंट टू पाई करता तो फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स, एंड टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स करता हूँ तो मुझे सेकेंड में मिलेगा. सो ये कॉन्सेप्ट ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा. ओके, यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको. आपको फाइंड आउट करना है फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स एंड टाइम पीरियड. तो सबसे पहले चेक करो, इज देयर एनी टाइप ऑफ डैम्पर, नथिंग. इज देयर एनी विस्कस फ्लूइड, नो. वहाँ पे वाटर है सो विस्कस फ्लूइड नहीं है. और इज देयर एनी फ्रिक्शन, नथिंग. सो यहाँ पे टोटल मास कितने, वन टू और थ्री, एम वन एम टू और स्मॉल एम. स्प्रिंग्स कितने हैं, के वन के टू के थ्री और ये टॉर्शनल स्प्रिंग. ओके, बट के टू एंड के थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज का मुझे कन्वर्जन करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस, ये एम टू जो है ये रोटेशनल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, एल थ्री पे है. ये वाला स्प्रिंग एट अ डिस्टेंस एल टू है और ये वाला यहाँ पे एल वन डिस्टेंस पे कनेक्टेड है. सो मैं क्या करता हूँ, उसको डिस्टर्ब करता हूँ. सो यहाँ पे देखो सिस्टम को डिस्टर्ब किया, डायग्राम ड्रॉ किया. सो व्हाट विल हैपन, एम टू एंड स्मॉल एम विल डिप, नेक्स्ट एम वन विल रेज, के टू और ये के इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट करता हूँ. सो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा और के वन भी क्या होगा, स्ट्रेच होगा. और ये के टी, ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग है, मैंने रॉड को कैसे डिस्प्लेस किया, क्लॉकवाइज. सो टॉर्शनल स्प्रिंग भी कॉम्प्रेस कैसे होगा, क्लॉकवाइज. फाइन, सो इसको इमेजिन करना पड़ेगा. फिर इसके अपोजिट में अभी क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है. ओके, सो इसके अपोजिट में आपका के टी थीटा आएगा या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, के टी थीटा. ये इनिशियली डाउनवर्ड में गया था, सो अपवर्ड में फोर्स एक्ट होगा. एम टू एक्स थ्री डबल डॉट, अभी एक्स थ्री क्यों, तो यहाँ पे आपको रीजन पता चलेगा. यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग कनेक्टेड है. सो एल वन थीटा को मैंने एक्स वन बोला, एल टू थीटा को एक्स टू बोला, एक्स एल थ्री थीटा को मैंने एक्स थ्री बोला. सो यहाँ पे मेंशन किया था ये डिस्टेंस एल थ्री है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स थ्री होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स टू होगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स वन होगा. ओके, सो एम टू इनिशियली क्या हुआ था, डाउनवर्ड में गया था. सो इनर्शिया फोर्स क्या जनरेट होगा, अपवर्ड में, एम टू एक्स टू डबल डॉट. सेम यहाँ पे, बट ये जो है फ्लूइड में वाटर में डीप होगा, तो वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर मीन्स एम डॉट डब्ल्यू इन टू जी. बट डिस्प्लेस वाटर का क्या होता है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है, एक्स थ्री. सो पाई बाय फोर डी स्क्वायर एक्स थ्री इन टू जी, ये क्या होगा आपका, बॉयंसी फोर्स. वापस से रिपीट करता हूँ, मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर, सो एम डॉट डब्ल्यू इन टू जी, बट एम डॉट डब्ल्यू क्या होता है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था, एक्स थ्री था, इन टू जी. ओके, और यहाँ का जो मास अपवर्ड में गया था वो डाउनवर्ड में एक्ट करेगा, इनर्शिया फोर्स एम वन एक्स वन डबल डॉट. यहाँ का के इक्विवेलेंट मुझे कन्वर्जन कैसे करता है वो देखते हैं. नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स के वन एक्स वन, यहाँ का इक्विवेलेंट के एक्स टू और ये के टी थीटा. सो ये आपको आना चाहिए. अभी कन्वर्जन कैसे किया वो देखते हैं. सीरीज में होता है तो हम क्या करते हैं, वन अपॉन करते हैं, इनवर्स करते हैं. सो वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन के थ्री, सो वन अपॉन के. सो इसको बोलो मत, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे इनवर्स लेना बोलते हैं. सो यू विल गेट के टू प्लस के थ्री अपॉन के टू के थ्री, बट मुझे वन अपॉन नहीं चाहिए, मुझे के इक्विवेलेंट चाहिए. सो इस आंसर को क्या करना है, आपको इनवर्स करना है. फाइन, तो यहाँ पे तीन मासेस का लिख दिया. सो यहाँ पे देखो
सो नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो सबसे पहले बात करते हैं M1 का. सो M1 कैसे डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो देखो ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L1 है. सो M1 X1 डबल डॉट इंटू L1, मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ. ओके सो ये हो गया. नेक्स्ट M2, M2 कहाँ पे है, ओके यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है अपवर्ड में, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. और डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर L3 है. सो M2 X3 डबल डॉट इंटू L3, ओके एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. सेम जो वाटर में था, जो डिप हुआ था, वो भी यहाँ पे लिख दिया है MX3L3 डबल डॉट. देखो गाइस ये भी डाउनवर्ड में डिप हुआ था, सो वहां पे भी इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा MX3 डबल डॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L3, तो वो एक लिख दिया. सो तीन मासेस तीन टर्म्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया. उसके बाद टोटल स्प्रिंग कितना है, दो लीनियर स्प्रिंग है, एक टॉर्शनल स्प्रिंग है. ओके सो ये स्ट्रेच हुआ था, ये डाउनवर्ड मैंने का ट्राई करेगा, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. सो K1 X1 इंटू डिस्टेंस L1, सेम KE X2 इंटू डिस्टेंस L2, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी जा रहा है. सो KT थीटा, सो सारी चीजें यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. और बाकी बचा बॉयंसी फोर्स. बॉयंसी फोर्स भी कैसे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड में, यहाँ पे एक्ट होगा अपवर्ड में, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. सो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव. इंटू डिस्टेंस कितना है, L3 है. सो तीन मासेस, दो लीनियर स्प्रिंग, एक टॉर्शनल स्प्रिंग और एक बॉयंसी फोर्स, ये किस में आएगा, एक्सटर्नल कपल में. सो बाद में क्या करना है, जहाँ पे X1 है उसको रिप्लेस कर दो L1 थीटा डबल डॉट से, X3 डबल डॉट को रिप्लेस कर दो L3 थीटा डबल डॉट से. सो आपको X को रिप्लेस करना इन द फॉर्म ऑफ थीटा. ओके बाद में क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लो, फिर थीटा डबल डॉट वाला टर्म कॉमन लो, थीटा वाला कॉमन लो, फिर थीटा डबल डॉट के साथ जो भी टर्म है उसको डिवाइड कर दो. फिर यहाँ पे एक्चुअली एक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे थीटा डबल डॉट चाहिए. सो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो कर दो, कंपेयर करो, यू विल गेट दिस इक्वेशन. ओके सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप, वो करेक्ट करने का ट्राई करो. ओके नेक्स्ट टाइप है रोलर. रोलर टाइप में होता क्या है कि यहाँ पे एक रोलर है, रोलर की एक अपनी खासियत है. रोलर में होता क्या है, सपोज आपको दो टाइप के वेलोसिटी पता होगी. सपोज अगर मैं फैन का वेलोसिटी पकड़ता हूँ तो होता है वो टॉर्शनल, वो अपने जगह पे रोटेट होगा. सपोज इफ यू आर वॉकिंग तो वो अपना वेलोसिटी होगा लीनियर, बट व्हाट अबाउट टायर, व्हाट अबाउट व्हील्स, तो वो रोटेट भी होता है, एट द सेम टाइम वो आगे और पीछे मूव भी होता है. सो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी होती है और टॉर्शनल वेलोसिटी भी होती है. सो वहाँ पे फोर्स भी होता है और कपल भी होता है, इसको याद रखना. रोलर में लीनियर एज वेल एज टॉर्शनल भी होता है, क्योंकि वो रोटेट होगा, एट द सेम टाइम वो आगे पीछे भी मूव होगा. ओके सो यहाँ पे गिवन डेटा में उसका मास दिया हुआ है, इसका रेडियस 50 mm बोला था, पीछे एक स्प्रिंग अटैच है 2000 न्यूटन पर मीटर. आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. और सेकेंड केस बोला है, सपोज मैं उसकी रेडियस 50 mm से 100 mm करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस हो गए. मास दिया है, रेडियस दिया है, के दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है. अगर मैं रेडियस चेंज करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे, वो पूछा हुआ है. सो सबसे पहले न्यूटन्स मेथड. अभी न्यूटन्स मेथड में देखो, यहाँ पे मैंने एक नोट लिख के दिया है, टेक अ मोमेंट अबाउट अ सरफेस कॉन्टेक्ट पॉइंट. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर भी होगा, यहाँ पे टॉर्शनल भी है. सो मुझे क्या लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ IC प्लस EC इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी आपको देखना है और टॉर्शनल वेलोसिटी भी आपको चेक करना है. तो सपोज यहाँ पे इफ द रोलर इज मूविंग राइट साइड, सो स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली स्ट्रेच. After that, I will release that mass. So what will happen? Suppose मैं इसको release करता हूँ तो ये जो roller है
वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा. ओके सो स्टार्टिंग में वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो रोलर था मैंने उसको मूव किया राइट साइड में. सो रोलर जो होगा मूव होते होते कैसे फॉरवर्ड होगा, क्लॉकवाइज जाएगा और इट विल मूव राइट साइड में, और स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच होगा. ओके सो आफ्टर दैट मैं अगर रिलीज करता हूँ तो ये जो रोलर है इट विल मूव बैकवर्ड. उसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ आपको. सो रोलर का अगर मैं रिलीज करता हूँ तो वो बैक साइड में आएगा, बट बैक साइड में आने के लिए वो कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो बैक साइड में. ओके सो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो लीनियर भी है टॉर्शनल भी है. सो एमएक्स डबल डॉट, सो यहाँ पे जो जनरेट होगा वो क्या होगा, एमएक्स डबल डॉट जो रोलर को वापस पीछे खींचेगा. एट द सेम टाइम टॉर्शनल का क्या होगा, आई थीटा डबल डॉट. सो ये एमएक्स डबल डॉट. और नाउ व्हाट, टेक अ मोमेंट अबाउट विच पॉइंट, सरफेस कॉन्टेक्ट पॉइंट. ओके टेकमैक्स में क्या किया, बुक्स में क्या, यहाँ पे लिया, बट यहाँ से उसका खुद का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा सेंटर पे. सो न्यूमेरिकल में भी जीरो और मार्क्स भी जीरो. सो डोंट फॉरगेट, जैसे हमने क्या किया था, सिंपल पेंडुलम में हैंगिंग पॉइंट कंसिडर किया था, पुली के केस में हमने सेंटर पॉइंट कंसिडर किया था, रॉड और बीम ने हमने जो रोटरी पॉइंट था जिसके अबाउट वो रोटेट होता है वो पॉइंट को कंसिडर किया था, और अभी यहाँ पे रोलर्स में सरफेस कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं. सो ये इनर्शिया फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, ना कि यहाँ पे, एक्चुअली ये यहाँ पे एक्ट होगा एमएक्स डबल डॉट. गॉट इट. सो टेक अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. डिस्टेंस कितना है, रेडियस. सो एमएक्स डबल डॉट इनटू आर. आई थीटा डबल डॉट भी कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. उसको अभी डिस्टेंस मत करना, वो ऑलरेडी क्या है, टॉर्क है. नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स केएक्स अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. सो वो भी पॉजिटिव है. नाउ रिप्लेस द एक्स बाय आर थीटा. सो एक्स डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट से रिप्लेस करो. फिर क्या करना है, थीटा डबल डॉट को कॉमन ले लो, फिर एम आर स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो. सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एन. बट रिमेंबर यहाँ पे आई का वैल्यू रोटर या तो फिर पुली का क्या होता है, हमने देखा है एम आर स्क्वायर बाय टू. सो मैं वहां पे आई का वैल्यू क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर कितना होगा, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर. आर स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, टाइम पास होगा, और फिर अंडर रूट ऑफ क्या मुझे मिलेगा, टू के अपॉन थ्री एम. ओके अभी आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को यूज करना है, तब तक इस वैल्यूज को हाथ नहीं लगाना है. ओके क्योंकि पहले पुट करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, बाकी कुछ नहीं. सो टू के अपॉन थ्री एम, सो मुझे पास के का वैल्यू भी है, एम का वैल्यू भी है, वो वैल्यू पुट करो वहां पे, आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एन. फाइन अभी केस टू सॉल्व करता है. केस टू में क्या बोला है, अगर मैं रेडियस 50 mm से 100 mm करता हूँ तो क्या चेंजेस हो गए. ओके बट मेरा ओमेगा एन का फॉर्मूला चेक करो, ओमेगा एन के फॉर्मूले में कहीं पे भी आर का कोई यूज है क्या, बिल्कुल नहीं. ओमेगा एन इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन के एंड एम, सो देर इज अ नो यूज ऑफ रेडियस. सो वहां पे हमने क्लियरली लिखा है ओमेगा एन इज इक्वल टू 2k अपॉन 3m, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आर, सो द रिजल्ट्स विल रिमेन सेम. सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरा ओमेगा एन आर पे डिपेंड है ही नहीं है. सो गाइस ये अलग अलग टाइप के वेरिएशन के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको सही में एक बार बैठ के सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो. डाउट्स होगा तो प्लीज कॉल मत करो, क्योंकि कॉल पे वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, मुझे एग्जैक्टली देखना है कि डाउट कहाँ पे. तो प्लीज टेक अ पिक, व्हाट्सअप कर दो मुझे आपका जो भी क्वेरी है, हम उसको सॉल्व करते हैं. ओके गाइज टुडे वी विल स्टॉप हियर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो टेक केयर.